नमस्कार, अभिग्रह धर्म में हूँ पिनाक। शनि की टेढ़ी चाल से भला किसे डर नहीं लगता। आम आदमी की बात तो छोड़ ही दीजिए, देवता भी उनके क्रोध और डर से थर थर कांपते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, संकट के बादल लाने वाले शनिदेव पर भी कई बार टूटा है मुसीबतों का पहाड़। मुश्किलें भी कुछ ऐसी कि जिनसे पूरी तरह से बदल गई शनि की चाल ढाल। आज हम बात करेंगे उन तीन श्रापों की जिन्होंने शनि को बना दिया क्रोधी देवता। तो सबसे पहले कहानी पहले श्राप की। ये है शनि कथा मेरे भाई, हो मेरे बंधु हो सुनो राजा। ये है शनि कथा रे मेरे भाई, हो मेरे बंधु हो सुनो राजा। शनि ने किया माँ पर प्रहार, माँ ने दे दिया क्रोध में शाप। जिस पग से तूने मुझ पर प्रहार किया वो पग टूट जाएगा। टेढ़ी हो गई शनि की चाल, बेहाल हो गए देवता और इंसान। शनि का रौद्र रूप डराता है, उनकी वक्र दृष्टि सिहरन पैदा करती है और उनकी टेढ़ी चाल की आहट मात्र भी भक्तों के जीवन में उथल पुथल मचा देती है। न्याय के देवता शनि अगर क्रोधित हो तो क्या देवता और क्या इंसान, सभी थर थर कांपने लगते हैं। जिंदगी संकटों से घिर जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं शनि के क्रोध ने दूसरों को ही नहीं खुद उन्हें भी कई बार संकटों में डाल दिया है। शनि को अपने क्रोधी स्वभाव की वजह से कई बार शापित होना पड़ा था। उन्हें सबसे बड़ा शाप उनकी माँ से मिला। मैं तुझे शाप देती हूँ, जिस पग से तूने मुझ पर प्रहार किया वो पग टूट जाएगा। सूर्य और छाया के पुत्र थे शनि। कहते हैं छाया अपने पति का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए एक दिन वो अपने शरीर से अपनी जैसी ही प्रतिमूर्ति स्वर्णा को पैदा कर अपने पिता के घर चली गई। जाने से पहले छाया ने स्वर्णा को आदेश दिया कि वो सूर्य देव को कभी सच्चाई का पता ना चलने दे। कहते हैं स्वर्णा शनि का ध्यान कम, अपने बच्चों का ध्यान ज्यादा रखती थी। एक दिन शनि ने माँ से खाना मांगा कि पहले वो अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाएगी और फिर शनि को खाना परोसेगी। ये सुनते ही शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माँ को मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। कहते हैं तब स्वर्णा ने शनि को पैर टूटने का शाप दिया। शनि ने पिता के पास जाकर अपना दुख बताया। सूर्य देव ने कहा कि वो एक माँ का शाप तो नहीं बदल सकते, हाँ ये जरूर आशीर्वाद दे सकते हैं कि शनि का पैर टूटेगा नहीं, लेकिन वो पूरी जिंदगी लंगड़ा कर चलते रहेंगे। पग टूटने का जो शाप तुम्हें माता ने दिया है वो व्यर्थ तो नहीं जा सकता, परंतु तुम्हारा पग टूटेगा नहीं, बस इसमें कुछ त्रुटि अवश्य रह जाएगी। कहते हैं तभी से शनि की चाल टेढ़ी हो गई और उनका खौफ और बढ़ गया। शनि देव ने अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए ये प्रण भी लिया कि कलयुग में कोई भी झूठ बोलेगा या किसी के साथ अन्याय होगा तो वो शनि के कोप का शिकार होगा। यही वजह है कि उनकी टेढ़ी चाल भक्तों को अधर्म और अन्याय करने से रोकती है। आज तक ब्यूरो। शनि से आंखें मिलाने की मनाही होती है। कहते हैं शनि से जो कोई नजर मिला ले उसके जीवन में उथल पुथल मचते देर नहीं लगती। ऐसे में आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि शनिदेव की दृष्टि दखने कैसे हो गई, तो चलिए जानने के लिए देख लीजिए ये कहानी। हर शनिवार शनि मंदिर में आप भी जाते होंगे, उन्हें इसी तरह तेल चढ़ाते होंगे, उनकी आराधना करते होंगे, घंटे घड़ियाल बजाते होंगे। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा। तम नमामि
शनैश्चरम। शनिदेव की पूजा तो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन जरा संभल कर। संभल कर इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी आपकी नजर शनिदेव की आंखों और उनके चेहरे पर पड़ गई, तो बिगड़ सकती है आपके जीवन की सुरता। शनि को देखना मना है, शनि से नजरें मत मिलाना। जय 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 शनि देवा, जय जय शनि देवा। कर्मकांड के जानकार कहते हैं कि शनि की दृष्टि इतनी वक्री है कि उनसे नजरें मिलाने मात्र से दुखों से घिर सकता है जीवन। शनि की टेढ़ी दृष्टि का वास्ता उनके क्रोध से नहीं है, दरअसल ये जुड़ा हुआ है उनकी पत्नी से। शनिदेव शापित देवता है, उन्हें उनकी ही पत्नी ने एक ऐसा श्राप दिया कि उनकी नजरें हमेशा के लिए हो गई वक्री। शापित हैं शनि, पत्नी ने दिया शनि को शाप। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। कहानी कुछ ऐसी है कि शनिदेव विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता के कहने पर उन्हें शादी करनी पड़ी। शनि की पत्नी बिना किसी शिकायत के 19 साल तक उनकी सेवा करती रही, उनके सुख दुख का ध्यान रखती रही। एक दिन उन्होंने शनि से कहा कि वो उनकी पत्नी है और ऐसे में वो चाहती हैं कि उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हो। नीलांबर धार नाथ गज की अस्वारी। इतना सुनना था कि शनि ने भूमि चढ़ाकर आंखों में क्रोध भरकर पूछा कि कौन सी पत्नी। ये सुनते ही सती के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने हाथ में जल लेकर शनिदेव को शाप दे दिया कि वो कभी किसी से नजरें नहीं मिला पाएंगे। जिसने शनिदेव की आंखों की तरफ देख लिया वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस श्राप से देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं ने श्राप वापस लेने की प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि वो श्राप तो वापस नहीं ले सकती, हाँ अगर कोई सूर्य देव और शिव की आराधना करे तो शनि का दृष्टि दोष जरूर कम हो जाएगा। उसी दिन से शनिदेव की आंखों की तरफ देखना भक्तों के लिए वर्जित हो गया। कहते हैं अगर गलती से भी कोई शनि की आंखों में देख ले तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, अनिष्ट दस्तक देने लगता है। यही वजह है कि शनि को दूसरे देवताओं से बिल्कुल अलग तरीके से पूजा जाता है। आज तक ब्यूरो। शनि की कृपा राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। वो सर्वशक्तिमान शनिदेव एक बार हो जाते हैं मजबूर, उनके अस्तित्व पर भी उठने लगे सवाल। सवाल भी कुछ ऐसा जिसने न केवल उन्हें बल्कि उनकी मां छाया को भी झकझोर कर रख दिया और उन्हें कर दिया बेघर बार। आखिर क्या था वो संकट, जानने के लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम। जब आया शनि पर सबसे बड़ा संकट, पिता सूर्य ने किया मां छाया पर संदेह। कर दिया छाया संग शनि का त्याग। तब शनि को मिला महाकाल का आशीर्वाद। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातरम। शनि की व्यथा सुनाता है ये मंदिर, उनकी मजबूरी की कहानी बताता है ये मंदिर। शक्तिशाली शनिदेव पर आया था एक बार संकट, ऐसा संकट जिसकी वजह से उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ खड़े हुए थे। हिमाचल के महाकाल गांव में बना ये मंदिर न केवल उस घटना का गवाह है, बल्कि शिव और शनि के अटूट रिश्ते का आधार भी यही मंदिर है। रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनि। मंदिर का शनिदेव से क्या रिश्ता है ये तो हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसने शनिदेव को झकझोर कर रख दिया था। सूर्य और छाया के पुत्र हैं शनि, लेकिन रंग रूप बिल्कुल अलग।
सूर्य एकदम चमकते दमकते और शनि दबे जैसे काले और उस पर उनका क्रोधी स्वभाव। अरे ये क्या उद्दंडता है, एक तो मुझे ये सता रहे हैं, ऊपर से मुझे भूख लगी है, तब से कह रहा हूँ मुझे भोजन दो। कहते हैं कि सूर्यदेव को संदेह हो गया कि क्या वाकई शनि उनके ही पुत्र हैं। उनके इस शक को देवताओं ने और मजबूत बनाने का काम किया। पति के इस आरोप से छाया व्यथित हो उठी। सूर्यदेव ने छाया का पुत्र समेत त्याग कर दिया। कहते हैं कि बड़े होने पर जब शनि ने माँ से अपने पिता के बारे में पूछा तब छाया ने पूरी कहानी सुनाई। शनि के लिए ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसका समाधान करना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गया। कहते हैं कि तब शनिदेव ने हिमाचल प्रदेश के इसी महाकाल मंदिर में आकर शिव की आराधना की और घनघोर तप किया। शनि की पूजा और आंसुओं ने महाकाल को पिघला दिया। अपने पिता सूर्यदेव से बदला लेने के लिए शनिदेव महाकाल की शरण में आए और महाकाल को अपना गुरु माने हैं। तपस्या किया, गुरु माना, तो महाकाल ने स्वयं वरदान दिया शनि को, जाओ तुमसे मानव तो क्या देवता भी भयभीत रहे। ये सारा पुराण संसार में शनि महाकाल नाम से, महाकाल शनि नाम से ये पहला मंदिर माना जाता है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम एट द मंदिर, दिस इज एंशिएंट, वेरी एंशिएंट टेंपल। मेरा पहला टाइम है यहाँ पे, अपने भाई के लिए आया हूँ। सो सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि प्लीज आकर यहाँ मत्था टेके और देखे, इसका एक्सपीरियंस गेन करे, क्या एक्सपीरियंस मिल सकता है। महाकाल ने शनिदेव को इतना शक्तिशाली होने का आशीर्वाद दिया कि उनसे इंसान तो क्या भगवान भी खौफ खाए। यही नहीं, महाकाल ने सूर्यदेव को मिलकर उन्हें विश्वास दिला दिया कि शनि ही उनके पुत्र हैं। संसार में सर्वत्र पूजे जाएंगे, ये न्याय नीति एवं अनुशासन के लिए सदा कठोर रहेंगे और इनके इन्हीं गुणों के कारण परतित लोग इनसे सदा प्रीत रहेंगे। उसी दिन से शिव और शनि की यहाँ एक साथ पूजा की जाती है। पहले शनिदेव महाकाल के साथ ही विराजते थे लेकिन बाद में उनके मंदिर को अलग बना दिया गया। यहाँ भक्त पहले महाकाल की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर की जाती है शनिदेव की आराधना। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता और अगर ग्रहण या किसी विशेष दिन पूजा कर ली जाए तो इच्छा पूरी होनी तय हो जाती है। बैजनाथ से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र है लक्ष्मी मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं बचत करने के लिए। हमारे यहाँ लिखा है शास्त्रों में कि आप कितना भी उपार्जन करें, कमाएं, लेकिन अगर बचत नहीं कर पाते हैं तो वो कमाई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। वो कमाई अच्छी जिसमें बचत हो जाए। बचत के लिए प्रवृत्ति आनी चाहिए, विचार आना चाहिए। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूँ फिर उसकी विधि बताता हूँ। मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इसका भाव है कि हे महालक्ष्मी जी, आप मेरे पास आइए और कुछ समय रहिए, मैं आपको माँ के समान आदर करता हूँ और माँ के समान आपका सम्मान करूंगा। ऐसा करके इसका ध्यान करें। इस मंत्र को उत्तर की ओर मुख करके संध्या समय, सायंकाल का समय, 5 से 7 के समय, संध्या समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और प्रत्येक दिन 7 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 3 बार इसका उच्चारण करें। यदि आप लगातार इसका उच्चारण करेंगे 7 दिन तक और 3 बार इसका उच्चारण कर लेंगे तो आपके मन में बचत की प्रवृत्ति आएगी। आप थोड़ा बचत करने लग जाएंगे, घर परिवार में आपके विचार सब लोग सहमत होंगे और बचत की ओर आप बढ़ेंगे। और हम कामना करते हैं बचत हो जाए। मित्रों मंत्र एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूँ। मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इस मंत्र का उच्चारण करें और हम कामना करते हैं अवश्य आपके पास बचत हो, लक्ष्मी कुछ देर तक ठहर जाए, रुक जाए। और मित्रों अब समय है जिज्ञासा का। तो आज की जिज्ञासा है कि संध्या आरती क्यों करते हैं? सायंकाल के समय जो शाम आ जाती है, घिराती है, तो आरती क्यों करते हैं? शाम का एक तो समय जान लीजिए, संध्या समय होता है 5 से 7 बजे के बीच में। उस समय परिवार एक तो मिलकर बैठता है। संध्या आरती बहुत अच्छे भाव से
मिल बैठकर एक साथ परिवार को करनी चाहिए। उससे मन में प्रकाश की प्राप्ति होती है, अंधकार निकल जाता है और हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हम गंगा आरती करें या घर में भगवान की आरती करें बैठ करके, तीर्थ स्थान में करें अथवा जहां भी आप जिधर बैठे हों ऐसे खड़े होकर आरती करते हैं, लेकिन अगर बैठे बैठे भी आरती बोलें परिवार के साथ मिलकर, तो आप देखेंगे मन हल्का रहेगा और मन की इच्छाएं सारी पूरी होती जाती हैं। मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए शाम के समय, संध्या समय मिल बैठकर परिवार के साथ आरती करें। अगर परिवार कहीं कार्य में व्यस्त है तो अकेले भी कर सकते हैं, उसका परिणाम पूरे परिवार को प्राप्त होगा। मित्रों, हम कामना करते हैं अवश्य आप संध्या के समय मिल बैठ करके आरती करें, जिससे आपको शीघ्र परिणाम मिले, आपके काम सारे सफल हो जाएं। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।